दिल्ली विश्वविद्यालय में 4 साल के ग्रेजुएशन कार्यक्रम के तहत तकरीबन 55,000 सीटों के लिए दाखिले की प्रक्रिया 2 जून से चल रही है। विश्वविद्यालय से जुड़े कॉलेजों में प्रवेश के लिए 18 केंद्रों पर तकरीबन 46 कोर्सों के लिए छात्र 16 जून तक ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म जमा करने के बाद DU की पहली कट ऑफ लिस्ट 24 जून को जारी की जाएगी। सभी बच्चों से अनुरोध है कि घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म भरें। यदि वो किसी वजह से ऑफलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो दिल्ली के हर कोने में 18 कॉलेज में सेंटर बनाए गए हैं, वो कहीं से भी फॉर्म ले सकते हैं और कहीं भी जमा कर सकते हैं। इसका समय 9 बजे से 1 बजे तक रहेगा। इस बार के DU अंडर ग्रेजुएट कोर्सों की प्रवेश प्रक्रिया में भी आमूलचूल बदलाव किया गया है। कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज विषयों में जहां बेस्ट 4 का फार्मूला लागू होगा, वहीं BMS के लिए लिखित परीक्षा होगी। साइंस और मैथमेटिकल साइंसेज कोर्स में भी बीते वर्षों की तरह ही दाखिले होंगे। कि अगर आपने किसी ऐसे विषय में +2 में पढ़ाई की है जिसमें हमारे यहाँ ऑनर्स की पढ़ाई होती है, तो आप उस ऑनर्स में दाखिला ले सकते हैं, सिवाय साइंस कोर्सेज के जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में। अगर छात्रों को दाखिला संबंधी कोई जानकारी चाहिए तो वह DU की सेंट्रल इन्फॉर्मेशन सेंटर पर 1552-15 या 011-27-00-6900 नंबर पर सुबह 9 से शाम 5 बजे तक संपर्क करके या www.du.ac.in से भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। स्कूल लाइफ से कॉलेज लाइफ में एंट्री करने जा रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर, दिल्ली विश्वविद्यालय में मिशन एडमिशन यानी दाखिलों की दौड़ शुरू हो गई है। 16 जून तक ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन किए जा सकते हैं। छात्रों की सहूलियत के लिए जहां दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनिंदा कॉलेजों में 18 फॉर्म बिक्री केंद्र बनाए गए हैं, वहीं बेस्ट 4 का नया फार्मूला लागू करने के साथ साथ कुछ सब्जेक्टों में प्रवेश परीक्षा भी समाप्त कर दी गई है। ऐसे में बारहवीं पास छात्रों के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना जितना प्रतिष्ठित है उतना ही चुनौतीपूर्ण भी। कैमरामैन केशव और संजय के साथ OP यादव, DD News, दिल्ली।